अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जीवे पाकिस्तान के साथ आमिर लियाकत हुसैन हाजिर खिदमत है। और हमारे साथ मौजूद है अजहर द बैंड, अजहर भाई, अरशद भाई और अमजद भाई, तीनों को एक मरतबा फिर खुश आमदेद और अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आज आप हमारी मेहमान जो यहाँ तशरीफ लाने वाली हैं, उनके आने से पहले और उनके बुलाने से कबल मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सर्द गर्म और बुरे और अच्छे हालात हमारे लिए एक पैगाम होते हैं, एक सिग्नल होते हैं। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस तकलीफ़ और परेशानी के दौर से, याद रखिए कि ये दौर रात कहलाता है, इसको रात कहते हैं। जो भी तकलीफ़, परेशानी और दर्द का दौर होता है उसे रात कहते हैं। और रात का काम है ख़त्म होना और दिन का काम है आना। दिन हमेशा आएगा और आखिर में दिन रह जाएगा, क्योंकि हशर का दिन है, रात नहीं है। रात खत्म हो जाएगी, रात खत्म होने का नाम दिन है। और आपकी जिंदगियों में दिन जरूर आएगा। अभी थोड़ी सी रात है और अभी रात गहरी हो गई है। जब रात गहरी हो जाती है तो फिर पौ किसी वक्त भी फट सकती है, और जब पौ फटती है तो उस वक्त फिर सुबह की किरणें नजर आती हैं, नमूदार होती हैं। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, जीवन की इस धारा में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम तो आपसे शुरू से कह रहे हैं जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आज जीवे पाकिस्तान में हमारी मेहमान एक ऐसी बासलाहियत और नौजवान फनकारा है, हाँ, मतलब जिनके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि तो शायद गलत नहीं होगा कि उन्होंने करियर के आगाज में ही नाज़रीन को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया, और सिर्फ 3-4 बरस में, कितने, 3-4 बरस, सिर्फ 3-4 बरस में वो मकाम हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में लोगों को बरसों लग जा रहा है। हर जगह इनके काम की धूम मची हुई है और हर जगह इनके नाम की धूम भी मची हुई है। नाम की धूम क्यों मची हुई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये आ जाएंगे, लेकिन काम की धूम मची हुई है। और उसकी वजह यह है कि इन्हें अपने काम से जुनून की हद तक लगाव है। जैसे कि आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि ऑडियो बहुत अच्छी है। क्या बात है, इसी की मुझे भी इस पे भी ताली इस पे तो दाद बन जाए। बतौर माविन अदाकारा इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और फिर ये यूं समझिए कि माविन अदाकारा के तौर पर ये इंडस्ट्री में आई, यानी टेलीविजन इंडस्ट्री में, और उसके बाद फिर ये मरकजी किरदारों की तरफ बढ़ गई और ज्यादा देर इनको नहीं लगी, बहुत जल्दी ये मरकजी किरदारों की तरफ आगे आ गए। सिर्फ 16 बरस की उम्र में, कितनी, 16 बरस की उम्र में, हाँ, तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, अब छोड़ बात को यार, लेकिन सिर्फ 16 बरस की उम्र में इन्होंने प्ले टीवी में बतौर डीजे काम का आगाज किया, और फिर उसके बाद अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए बैरून मुल्क चली गई। इस पर मैं चाहूँगा कि हमारी वाली तालियों को तालीम को बड़ी अहमियत दी, और पहले तालीम को आला मकाम दिया, काम भी किया लेकिन तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चली गई। वतन वापसी के बाद बाकायदा शोबिज में आने का फैसला किया, और 2016 में एक टेलीफिल्म थी उसमें काम करने के बाद ही कामयाबी का सफर शुरू हो गया। 2017 में ड्रामा सीरियल इल्तिजा, कौन सी, इल्तिजा, जो आजकल कराची की शहरी के इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं, इल्तिजा, इल्तिजा में मुतासिर कुन परफॉर्मेंस से नाज़रीन को मुतासिर किया, और फिर मेगा ड्रामा सीरियल सीन की, और वो थी अलिफ। उसमें उन्होंने हमजा अली अब्बासी, एहसन खान, सज्जल और कुबरा खान जैसे मंझे हुए अदाकारों के साथ उनके दरमियान रहकर अपने फन की सब पर धाक बिठा दी। अलिफ में इनका किरदार हमजा अली अब्बासी के मुकाबल शैली नामी सुपर मॉडल का था, या शैले या शैली, जो भी आप ये आएंगे जिनसे बात करेंगे। ये एक बहुत मुख्तलिफ तजुर्बा था, बहुत ही मुख्तलिफ तजुर्बा था, और एक सुपर मॉडल की वजह से इनके कपड़ों, इनके हेयर स्टाइल, इनके मेकअप पर बहुत खसूसी तवज्जो दी गई, क्योंकि जाहिर है कि एक किरदार था और किरदार को निभाने के लिए मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है, और ये सब संभालना इन जैसी कम उम्र, नौवारिस, और मैं समझूँ कि इतने बड़े फनकारों के दरमियान जो काम कर रही हो लड़की, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया, उस पर पूरा उतरी, किरदार अदा किया,
और नाज़रीन को अपने फन से, अपने किरदार से, अपनी किरदार निगारी से गर्विदा बना लिया। अभी इनका फनी करियर बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन इसमें तरह तरह के किरदार अदा करके इन्होंने अपने वर्सटाइल फनकारा होने का सबूत दे दिया है। और जिसमें कॉमेडी भी इन्होंने की है, मनफी किरदार भी इन्होंने अदा किए हैं, रोने धोने वाले किरदार भी शामिल हैं, और सब में इनकी अदाकारी को खूब सराहा गया है। इनके दीगर ड्रामा सीरियल में कुर्बान, देखो जब कुर्बान, हाँ, जब इंसान कुर्बान होता है ना, हाँ, या जब इंसान कुर्बान होना चाहता है तो उसका घर तितली का सा हो जाता है। तितली जैसा, आए घर भी तितली जैसा हो जाता है। तितली भी छोटे से घर में रहती है, हाँ, और फिर जब इंसान कुर्बान हो जाता है तो फिर कहते हैं की जाना मैं कौन, और कुर्बान हो जाता है तो फिर ये भी कहना पड़ता है कि हारा दिल, ये सारी आपको कड़ियां मिलानी पड़ेंगी एक दूसरे से। अच्छी बात है। और फिर उसके बाद चूंकि जब कुर्बान हो गया, हाँ, दिल हार गया, की जाना मैं कौन, हाँ, और फिर उसके बाद जब हमारी आएंगी तो फिर हमें कहना पड़ेगा कभी बैंड कभी बाजा, कभी बैंड कभी बाजा में खताकार भी मौजूद है वो मैं जानता हूँ, और फिर खताकार के साथ दो तोला प्यार की बात होगी, दो तोला प्यार और प्यार नाम का दिया, अगर ये चल जाए तो फिर उसके बाद जब ये प्यार नाम का दिया चल जाता, हाँ, है तो फिर चाहे रॉन्ग नंबर वन हो चाहे रॉन्ग नंबर टू हो, हाँ, लेकिन जब रॉन्ग नंबर टू होता है, हाँ, तो प्यार नाम का दिया वहां भी जलकर ये बताता है रॉन्ग नंबर टू कौन सा है। तो प्यार का, प्यार नाम का दिया भी हो सकता है, लेकिन हम चूके मैं चूके उसकी एक सीक्वेंस के अंदर आ रहा था, एक्चुअली ये है पिया नाम का दिया, लेकिन प्यार का दिया होता है ना एक्चुअली, तो प्यार करते हैं तो फिर पिया तो बाद में आता है लेकिन पैर तो प्यार होता है। अब उसके बाद उसमें रॉन्ग नंबर टू में इनके शादी के गीत ने हर तरफ नाज़रीन धूम मचा दी थी, अगर आपको याद हो कि शादी का एक गीत था और उसमें ये मौजूद थी। अब नाज़रीन के घर में मुस्तकिल अपना घर बना चुकी हैं दिल में, और आजकल ड्रामा सीरियल इनका है प्यार के सदक़े, उसने अपनी बेमिसाल अदाकारी से अपने मतदाओं के दिल की धड़कन बनी हुई है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर ड्रामा सीरियल गुस्ताख, उसमें फैसल कुरैशी जैसे जहां दीदा फनकार के मुकाबिल एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, और बहुत जल्द आप उस सीरियल को देखेंगे, बहुत जल्द आपके सामने उस सीरियल में नजर आएंगी। एक्सप्रेस की सीरियल है, आप देखना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारी सीरियल्स बड़े कामयाब सीरियल्स अपने जा रही हैं और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अब हमारी वाली तालीमी गूंज में इनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि इनका काफिया क्या बना है, हाँ, क्योंकि इनके नाम का क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता हूँ जब ये तशरीफ लाएंगी। तो ये चुलबुली सी हैं, और चुलबुली है तो खुलबुली इन्होंने मचा दी है, और चुलबुली की जो खुलबुली मचती है तो उसके बाद चारों तरफ आवाज़ें शुरू हो जाती हैं कि अब यही है, अब यही है, अब यही है। तो हमारी वाली तालीम में इनका इस्तकबाल कीजिएगा अपनी भरपूर अदाकारी से सनसनी फैलाने वाली, जो इस वक्त बनी हुई है सबकी मोहब्बत का दिल, यशमा गिल। आपने इतना प्यारा, इतना लंबा और इतना इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपकी उर्दू से बहुत इंप्रेस हुई हूं। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। मैं असल में आप क्या का मैंने कोई तारुफ नहीं कराया, आप इस काबिल हैं कि ये तारुफ कराया जाता है, और आप माशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मकाम हासिल करेंगे, ये मेरी दुआ भी है और मुझे नज़र भी आता है, मैं बस औकात देख लेता हूँ जो हो रहा होता है, हाँ, पीछे जो नज़र, आपको तो पीछे नज़र नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है नज़र ना, यही होता है, तो आपके पीछे मुझे नज़र आ रहा है कि मजमा ही मजमा है और यशमा गिल चलती हुई चली आ रही है बहुत जल्दी इंशाल्लाह। यशमा, जो मैं चाह रहा था कि जब ये आए तो मैं फिर नाज़रीन आपसे ये बात करूं कि यशमा का मतलब है खूबसूरत, खुशनुमा, खुशबूदार फूल। तो ये खूबसूरत, खुशनुमा, खुशबूदार, ये बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि गुलाब है, गुलाब वो खूबसूरत है, खुशनुमा नहीं है वो, लेकिन खुशबूदार है। अब आप कहेंगे खुशनुमा क्यों नहीं है, खुशनुमा जो फूल है वो खुशबू नहीं है उसमें, वो है कमल, 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 उसमें फूल खुशबू नहीं होती, वो खुशनुमा होता है, खुशनुमा जो खिलकर अपनी तवज्जो, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ले।
लेकिन नशमा खुशनुमा भी होता है, खुशबूदार भी होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि खूबसूरत भी होता है। तो ये तारीफ अगर किसी पर पूरी उतरती है तो फिर ये एक ही फूल पर उतरती है, और ये उस फूल को कहते हैं रात को ही वो होता है फूल, उसको कहते हैं रात की रानी। रात की रानी, रात की रानी खुशनुमा भी होता है, खुशबूदार भी होता है और खूबसूरत भी होता है। और ये खूबसूरत नाम इनकी वालदा और खाला ने रखा, यानी दोनों का इसमें किरदार है, और घर में प्यार से इन्हें हनी भी कहते हैं। ये आपको कैसे पता? देख ले, ये तो पता है हमको। बचपन में ये बात पता थी लोगों को, है देखिए, लेकिन मुझको पता है। असल में हम क्या करें, हम तो जो रिसर्च होती है उसके मुताबिक बात करते हैं, लेकिन बचपन में प्यार से हनी कहते हैं। यहाँ तो आजकल हनी मिल नहीं रहा खाने के लिए, लेकिन आपको प्यार से हनी कहते हैं। कि इतनी है तो मतलब छुपी हुई बात है कि हैरान। आपका एक और नाम भी है शायान। ये भी छुपी हुई बात, जो रखा था फिर चेंज कर दिया था मेरे चाचू के नाम। इसके पीछे कहानी है, जो रखा था इसके पीछे कहानी है कि वो मुल्तान और जहानिया शहर के करीब इनके आबाई गांव में जायदाद के तनाजे पर दुश्मनों ने इनके चचा को कत्ल कर दिया था। अल्लाह ताला ने गरीब रहमत करे तो एक हफ्ते में यशमा की विलादत मुतवक्के थी, और मगर वालदा को देवर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गाँव जाना पड़ा, और जो आखिरी रसूमात थी उसमें शिरकत के लिए चूँकि गाँव जाना पड़ा था तो वहीं पर यशमा की पैदाइश हुई। और गांव में मुकीम ख़ानदान वाले इनकी पैदाइश पर खुश नहीं थे कि हमारा बेटा तो गया है तो बेटी क्यों पैदा हुई, लिहाजा उन्होंने इनका नाम मर्दाना रखा कि शायान। और शायान के नाम से ये आज भी गांव में जानी जाती हैं, और शायान ने बता दिया कि शायान शायान शान भी है, खुशनुमा भी है, खुशबूदार भी है और खूबसूरत भी है। आपको बहुत कुछ पता है। लेकिन देखिए इनकी जो फैमिली है वो सबसे बड़ी बात जो मैं इनकी मैं मुझे बहुत इज्जत और जो इनका एहतराम दिल में आया है और वो रहेगा, उसकी वजह है कि ये कदामत पसंद फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कदामत पसंद फैमिली का मतलब ये नहीं होता, ये होता है कि लड़की की पैदाइश को बड़ी अहमियत नहीं दी जाती है। इधर लड़की 15 बरस की हुई, इधर शादी की बात चल रही, बच्चों पर किसी तरह बोझ उतारो, ये क्या बात हुई। मैं तो कहता हूँ कि लड़की अगर आपके आई है तो फिर तो आप अपने घर में खुशी ही खुशियाँ मनाएं, क्योंकि लड़की जिसके घर में पैदा हो जाए दर हकीकत वो सरकार का सच्चा उम्मती है, क्योंकि उनके घर में भी लड़कियां पैदा हुई थी। तो इतनी मोहब्बत करनी चाहिए बच्ची से, और उसका उसको कोई बोझ नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल उसकी शादी की बात करनी चाहिए, लेकिन बोझ समझ के नहीं उतारना चाहिए। जरा उसको सोचने दें, समझने दें, उसको फैसला करने दें, यह हक उसका है, या अल्लाह ताला ने उसको हक दिया है, या उसे छीना नहीं जा सकता। तो यशमा जब भी सुनती थी कि मैट्रिक के बाद इनकी शादी कर जाएगी तो बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या मेरे साथ होने वाला है। तो बाल नहीं हुआ फिर उसके बाद लिखे यशमा के, मगर वालिद ने आपकी दो शादी हम बचपन से तो नहीं जानते। देख ले आप, मैंने आपको हैरान किया कि नहीं? मेमोरी लेन में चले गई हूं है ना। अच्छा, आपके वालिद ने दो शादियां की थी जी। अच्छा, जो आपकी फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली, उसमें आपकी एक छोटी बहन और एक भाई, बड़े भाई मुश्तमिल। अब जो दूसरी वालदा इंतकाल हो गया उनसे भी आप, उनसे एक बड़ा भाई है, बड़ी बहन है आपकी और एक छोटी बहन, और एक छोटी बहन, तो सारे बहन भाई मुल्क से बाहर थे। एक बहन जो है वो यहाँ पे वापस आ गई है, उसकी शादी हो गई है। भाई भी अभी रिसेंटली वापस आया, वरना सब ऑस्ट्रेलिया में थे और अमेरिका में, और अमेरिका में मेरी छोटी बहन, हाँ जी वो अभी रीसेंट एडिशन है। हाँ, वो तो अभी कोरोना की वजह से उसकी यूनिवर्सिटी है, उसको बचपन में बड़े नशीब फराज देखे आपने, यानी बड़ा नशीब फराज से बड़ा जीवो के बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने है ना। और बहन भाइयों में फर्क करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जब फर्क होता है तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। मैं एक जमाने में एक जगह पर गुफ्तगू कर रहा था, मैंने वहां पर एक जुमला कहा था, तो एक खातून थी आप ही की तरह थी, प्यारी सी, तो वो इसी तरह थोड़ी सी हकतलफी का शिकार थी। तो मैंने एक ऐसी जुमला कहा तो शायद उनके दिल पर लगी ये बात, मैंने कहा बड़ा बुरा लगता है कि जब माँ अपने घर में बच्चे के लिए बोटियाँ बचा के रखे और बेटी के लिए कहे कि कोई जरूरत नहीं है, तुम बस ये सालन खा लेना, मेरा बेटा आएगा तो। अच्छा, पता है अक्सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ अपने बच्चों में इस तरह से जो है वो कर सकती है डिफ्रेंशिएट। मेरे ख्याल से वो जब हम बच्चे होते हैं ना तो हमारा नजरिया बड़ा सेंसिटिव होता है। हम अपने अंदर कहीं पे जो है ना, कुछ लोग होते हैं वो एहसास से कम तरीका शिकार होते हैं, हम इनसिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज वी आर क्रेविंग लव। जहाँ पर कदामत पसंदी या बहुत ज़्यादा दबाव होता है वहाँ पर बेचारी औरतें मजबूर होती हैं, वो क्या कर सकती हैं घर में। आप थोड़ा बहुत निकल आई, आपने आपने हालात का मुकाबला किया, आप फाइटर हैं,
और आप चूंकि खुशबू सी देखिए आपके बारे में परवीन शाकिर ने इसीलिए झुकाया कि सुनो भाई गौर से क्या कहे तुम्हारी तवज्जो आजकल प्रति कहाँ रहती है? मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं तो मैं वहाँ नहीं जाती देख रहा हूँ, वहाँ पर नहीं। वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, वो तो खुशबू है, वो अच्छा नहीं नहीं वो वो चलो वो छोड़ दो, हम परवीन शाकिर से माजरत के साथ। ये तो खुशबू है, ये तो खुशबू है, ये तो खुशबू है, फजाओं में बिखर जाएंगी, फजाओं में बिखर जाएंगी। अब थोड़ा सा अदब से बाहर निकल के तू तड़ाक पे आ जाते, ये तो खुशबू है, ये तो खुशबू है, फजाओं में बिखर जाएगा, फजाओं में बिखर जाएगा, मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा? वाह 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 वाह। तो ये तो माशाल्लाह फजाओं में बिखर गई, लेकिन फजाओं में बिखरने के बाद इन्होंने आपको निखार भी लिया। और मैं समझता हूँ कि बुरे हालात से निकलकर अच्छे हालात की तरफ इंसान तभी गामजन होता है जब वो हालात से लड़ना सीख लेता है। और यशमा ने हालात से लड़ना सीखा, और बचपन में एक सोच होती है कि भाई ज़ाहिर है कि जहाँ जब दो शादियाँ होती हैं तो दिन बांटे जाते हैं, एक दिन ये एक दिन वो। तो उस ज़माने में दोनों ख़ानदान अलग अलग घरों में रहते थे, तो यशमा को सोच आती थी कि हमारे पास हमारे पास क्यों नहीं रहते, ये सोचती थी हम कि मतलब दोनों दिन हमारे पास क्यों नहीं रहते। एज अ किड, एज आई सेड कि आप जब छोटे होते हो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोजर नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो तब मुझे होता था कि मतलब रोज क्यों नहीं हो सकते पापा। लेकिन हमें थोड़ी सी आदत इसलिए भी डल गई थी क्योंकि पहले पापा नेवी में होते थे तो वो काफी टाइम तक बाहर रहते थे, तो अक्सर ऐसे होता था कि चलो एक आदत हो गई थी, बट थोड़ी बहुत शिकायत होती थी। बट नाउ 11 साल की उम्र में थोड़ी सी मनफी सोच थी आप में, जब आप 11 साल की थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11 साल की उम्र में थी कि, और फिर 19 साल की उम्र में आप डिप्रेशन के शिकार हुई इस बात पर कि जो आपके भाई थे वो बचपन में लगता था कि भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। लगता था यही मैंने कहा, लगता था, ऐसा था नहीं इसमें से आप। लेकिन फिर आप बाहर निकल आई, और चूंकि आपके वालिद पाक बहरिया में कैप्टन थे, उर्दू चूंकि मेरा मसला ये नेवी की बजाय मैं बहरिया, तो और ये जब आप 8 बरस की थी तो वालिद ने नेवी को खैर बात कह दिया था, खुदा हाफिज़ कह दिया था, और बिजनेस करने लगे थे, फिर मलीर कैंट में शिफ्ट हो गए थे कराची के। चलिए वक्फे लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो कसौटी शुरू करते हैं, बातें बहुत सारी हैं जो यशमा से हम करेंगे, लेकिन पहले हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद यशमा से पूछेंगे कि कसौटी में ये क्या करने वाली हैं, शख्सियत, खाना, मकाम, हादसा या वाक़या, क्या ये पूछेंगी, क्या ये पूछना चाहती हैं। लेकिन पहले हम एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फा लेने जा रहे हैं। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, और हमारे सामने तशरीफ़ फरमाएं प्यारी सी, खूबसूरत सी, खुशबूदार सी, मोहब्बत करने वाली, मीठी मीठी सी बातें करने वाली मोहतरमा यशमा गिल साहब। अब हम चलते हैं, यशमा से बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बढ़ते हैं गेम्स की तरफ और कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। तो कसौटी में हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आपने देखना है खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत, क्या आप इसमें से पसंद करेंगे? आसान वाला कौन सा? देखिए सबसे आसान तो वही होता है जिसका जवाब पता हो आपको। आपको क्या, आपको मेरे बारे में इतना कुछ पता है तो आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है मुझे किसका जवाब पता होगा? मुझे लगता है कि आप बहुत जिस तरह खुशगुफ्तार हैं, खुशगुफ्तार को कहते हैं अच्छा बोलने वाले को, और जिस तरह खुशगवार है, यानी खुशगवार उसको कहते हैं जो बहुत अच्छे माहौल में रहे, और जिस तरह से खुश कलाम है, खुश कलाम उसको कहते हैं कि जिसकी बातों में मिठास हो, और जिस तरह से खूबसूरत है, मैं बता रहा हूँ खूबसूरत का मतलब होता है कि जो बहुत प्यारी सी हो। तो मुझे लगता है कि आपको खाना चूज करना चाहिए। ठीक है, खाना कर लेते हैं। ओके, क्योंकि मैं जब आपके बारे में भी पढ़ा, जो ज़ाहिर है कि जो जिन इलाकों का भी जिक्र मैं कर रहा था, वो जो आपके जिसको आबाई गाँव जिसका मैंने भी जिक्र किया था, तो वहाँ पर बहुत से खाने बनते हैं, वो बड़ा खानों का मरकज़ है, और बहुत अच्छे अच्छे खाने वहाँ से निकले, क्योंकि मुल्तान है, जानिया शहर है, तो मुल्तान में खाने वाल भी आता है, तो रास्ते में खाने वाला आता है। और उसके बाद ये कि खाने वाल के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि मुल्तान वो जगह है जहाँ पर हज़रत भाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हज़रत शाह रुकन आलम, इन सबसे बड़े हज़रत शाह शम्स तबरेज़ साहब, उन्होंने वहाँ रोटी मांगने के लिए आग नहीं दे रहे थे लोग उनको, तो वो मांगने के लिए गए थे कि मुझको आग दो, जब आग नहीं दी
तो फिर उन्होंने सूरज की तरफ इशारा करके कहा था कि मैं तुझे रब का वास्ते देकर ये कहता हूँ कि मुल्तान वालों पर हमेशा आग बरसाते रहना, इन्होंने मुझे आग नहीं दी, तो इसलिए मुल्तान में गर्मी ज्यादा पड़ती है। मैं मुल्तान से पहले हूँ। थोड़ा सा पहले आगे आप जानिए मानते जानिए पहले, लेकिन मुल्तान से आगे आप मुल्तान औलिया कराम का शहर है, बड़ा शहर, मगर जानिया में खाने बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन बस ये मसला है कि आपके यहाँ उस इलाके में थोड़ा फीका खाना बनता है, बहुत ज्यादा मिर्चों वाला नहीं होता। हाँ, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। वैसे मैं काफी टाइम से नहीं गई, लेकिन बचपन में आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा फीका खाना पसंद किया जाता था। कोई मैं 4-5 साल पहले गई थी, तो अब मेरे ख्याल से हम जो बच्चे हैं हमारे टेस्ट थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, तो अब थोड़ा उस तरह जानिया में बहुत सारे खाने जो है वो आप मिट्टी में दफन करके भी बनाए जाते हैं। देख लीजिए, पता है सर, मुझे अपने वतन की जगह पेट काट के भी उसके अंदर चावल डाल के, एग्जैक्टली, ये बड़े ये सारे मशहूर माँ के और वो रिवायती खानों में शुमार होते हैं। उधर की रोटी का अंदाज बनाने का भी बहुत बड़ा मुख्तलिफ है। दीवार पे होती है, कच्चे तंदूर की होती है, तवे पे इतनी ज्यादा नहीं पकती जो कच्चे तंदूरों में पकती है, और उसमें उसका मजा ही कुछ और होता है। और वो थोड़ी सी चक्की के आटे की थोड़ी सी गुलाबी रंग की रोटी, गुलाबी नहीं बल्कि कहेंगे सुर्खी माइल रोटी, याद आ रहे हैं आपकी बातें सुनकर। चले खाने की तरफ बढ़ते हैं। तो खाना मैंने सोच लिया है, और खाना बड़ा रिवायती है और बहुत मतलब कि बहुत लोग शौक से खाते हैं। और ये मैं बस आपको बता दूं कि वो मीट डिश है, यानी गोश्त है, वो चाहे वो चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, कुछ भी आप कह सकती हैं। बस ये मैंने आपको बताया, और वो खाना रिवायती खाना है, आपके इलाके का नहीं, लेकिन आपके इर्द गिर्द का जो पूरा सराय की बेल्ट है, वो सराय की बेल्ट के में है, पंजाबी बेल्ट में नहीं है। पंजाब का बेल्ट अलग है, सराय की बेल्ट अलग है। सराय की बेल्ट के खाने बिल्कुल मुख्तलिफ है, सराय की बेल्ट की ज़बान मुख्तलिफ है, सराय की बेल्ट का अंदाज मुख्तलिफ है, सराय की बेल्ट का रहन सहन मुख्तलिफ है। तो सरायकियों की बात ही कुछ और होती है, वो बड़े सोना मिठा, उनके अंदाज ही बात करने कुछ और होते हैं, तो खाने भी जरा मुझे कोई आप हिंट्स दे सकते हैं? अब आप मुझसे पूछिए, मतलब सवाल कितने कर सकते हैं? आप मुझे 10 सवाल कर सकती हैं, 10 सवाल, और आप चाहे तो आप किसी से पूछ भी सकती हैं। अच्छा, चावल के साथ खाते हैं, रोटी के साथ? वो आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, कोई जरूरी नहीं। ग्रेवी होती है या ड्राई होता है? ग्रेवी टाइप हो चाहे, लेकिन देखिए आप चाहे तो चावल हो तो रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हाई नहीं, नाम जब ही नहीं ले रहे, अभी तो सोचना है। अच्छा, इतना आसान नहीं है। हाँ, अभी तो सोचना है। सिर्फ चिकन, सिर्फ मीट होती है, उसमें और कोई चीज ऐड नहीं कर सकते? नहीं नहीं, आप उसमें आलू वगैरह ऐड कर सकते हैं। देखिए तो अपने ऊपर होता है, मिसाल के तौर पर अब तो आलू चिकन भी बनने लगा है, पहले तो आलू गोश्त होता था। मशहूर किस चीज के लिए? मतलब तमाम से खुदा की कसम, हाँ फंस रहे हो, पहले आलू गोश्त होता था, अब तो आलू चिकन रखा होता है। खुदा की हमने जिंदगी भर आलू गोश्त सुना, अब ये कहना पड़ता है आलू चिकन रखा हुआ। बा आलू के साथ चिकन का क्या था? हाँ मुझे बता, ना चिकन का मतलब मुर्गी ने कभी आलू खाया, ना उसको कभी समझ में आया कि भाई आलू क्या होता है। और आलू के साथ जब मुर्गी रखी होती है तो समझ में नहीं आता कि आलू ले कि मुर्गी ले। मिर्चे मिर्चे डालना चाहे तो आप डाल सकते। हम लोग स्पेशली कहीं जाके खाते हैं या घरों में भी बनता है? घर में बनता है, बिल्कुल बनता है, घर में बनता है। आम बन जाते हैं आमतौर पे? कितने सवाल हो गए, कितने सारे? नहीं नहीं, अभी तो आप आराम आराम से। अब तो बहुत मतलब इतना मुश्किल है, कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है। सर थोड़ा सोचिए। कोरमा आ रहा है मेरे दिमाग में। कोरमा? नहीं नहीं, कोरमा नहीं। पाए? नाम नहीं लेना है। तो क्या, कैसे? मैं पहले पहले सोच, कुछ पूछे पूछे, मैं तो तैयार बैठा। मुझे बनाना आता होगा? आप बना नहीं गया जी? हमारे जो शूट्स वगैरह पे नॉर्मली लंच टाइम पे खाने आते हैं, उसमें नहीं हो सकता, हमें अलग से मंगवाना पड़ेगा। आप अलग से भी मंगवा सकती हैं, उसमें भी आ सकते हैं, उसमें भी आ सकते हैं। मतलब महंगा नहीं है, क्योंकि शूट्स में तो महंगे खाने। देखिए, एक तो महंगा भी नहीं है, ठीक है, दूसरा ये कि वो लज्जत में बड़ा कमाल का है। यानी अगर मैं उसके बारे में भी सोच रहा हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है जबरदस्त वो। मगर देखिए, ज्यादा रोटी के साथ खाते हैं? रोटी के साथ, हाँ, मतलब कि अगर आप खाएंगी तो रोटी के साथ खाएंगी, क्योंकि अच्छा। आप वेट कॉन्शियस भी होंगी तो आप ये नहीं चाहेंगी कि आप चावल के साथ खाएं। ये बड़ा डिफरेंट सा आंसर था। अच्छा, 5 इशारे आपके हो गए। 5 इशारे बिल्कुल मुझे तो लग रहा है मैंने कोई 50-100 इशारे ले लिए। नहीं नहीं, 5 इशारे हुए आपके, 5 इशारे। अच्छा, मतलब हेल्दी नहीं है? हेल्दी है, हेल्दी है, हेल्दी है, बिल्कुल है। ऑयल नहीं होता इतना? देखिए, ऑयल के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। कढ़ाई में इतना तेल होता है, उस तरह से मतलब इतना तेल नहीं होता, भुना हुआ है।
नहीं भुना हुआ तो नहीं, आप थोड़ी सी ग्रेवी, बहुत भुना हुआ होगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। थोड़ी सी ग्रेवी है, थोड़ी सी ग्रेवी है, ज्यादा ग्रेवी है, लेकिन तेल तो बहरहाल है, तेल है उसमें। कीमा भी नहीं हो सकता? कीमा तो देखिए आम सी बात हो गई ना, कीमा पाए नहारी ये सब, मतलब ये नहारी भी नहीं है। अच्छा, मतलब कढ़ाई भी नहीं है, नहारी भी नहीं है, पाए भी नहीं, कीमा, मतलब तो बड़ी आम सी बात हो गई ना। आम बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो खास खास बातें कर रहे हैं। वो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तो नहीं हो सकती, इधर की होनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दे और। मैं तो हेल्प करा, मुझसे पूछेंगी तो करूंगा ना। आसान में आप एक ही दफा कॉल कर सकती हूँ? आप एक दफा कॉल कर सकती हैं, एक दफा कॉल कर सकती हैं। और कितने सिर्फ कितने वो हैं मेरे पास, और सवाल भी हैं इसके बाद? अभी आपके 5,000 रहते हैं। अच्छा, आराम से आप परेशान, एक दफा परेशान ना हो, आप आराम से आप सोचें। ये हो रहा है ना कि मैं कहीं हार ही ना जाऊं पहली दफा में, पहले सवाल। अभी आप दोबारा से अपने आप को रीकैप करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी सवाल कर रही हैं। आप रीकैप करें कि आपने क्या क्या पूछा और क्या क्या मैंने आपको बताया, उसके बाद हम आपको ऐसे ऐसे लेके। आपने मुझे बता दिया है कि हेल्दी है, ठीक है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, मीट है, और जो है रिवायती खाना है, बिल्कुल ठीक है, स्पेशली भी खा सकते हैं, जाके घर पे भी बन सकता है, आ भी सकता है, स्पेशली मंगवा भी सकते हैं, और मिर्चें आपने कहा कि हो भी सकती है, नहीं मिर्चें आपकी मर्जी, उसमें आप डालें ना डालें, मर्जी से उसका टेस्ट बना सकते हैं। हाय अल्लाह, इस सब के बाद मेरे दिमाग में बहुत फीलिंग है। आप चाहे जो आपके है, बहुत फीलिंग है। हाँ सही, बहुत फीलिंग है। रात में लोग ज्यादा खाना पसंद करते हैं। एक होते ना कुछ खाने रात के होते हैं कि डिनर में, देखिए इसमें भुखेड़े तो हर वक्त खा सकते हैं, मतलब स्नैक के लिए यूज़ नहीं हो सकता, भुखेड़ों से मत पूछे कब खा सकते हैं। ठीक है, कॉल करती हूँ। कॉल करें, कॉल मिला है भाई, कौन है भाई? साद। साद साहब से बात करें जी, बात कीजिए आप। मिल गया साद आपको आवाज। अस्सलाम वालेकुम साद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे साद आप? ठीक है? मैं अल्लाह ठीक ठाक। साद भाई, यशमा एक जगह पर आके फंस गई है, खाना उन्होंने हमसे पूछने की कोशिश की है, और खाना जो है वो ये खा भी चुकी है, जानती भी है, तो वो अब थोड़ा फंस गई है कि वो बता नहीं पा रही है कि वो खाना कौन सा है, तो ये आपसे ज़रा बातचीत करना चाहती हैं, गुफ्तगू कर लें। यार साद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सुनो, एक खाना है ठीक है जो कि रिवायती है, उसके अंदर तेल ज़्यादा नहीं होता, बस नॉर्मल होता है, मिर्ची भी डल सकती हैं, नहीं भी डल सकती, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, और हमने घरों में खाया हुआ है, खाया मतलब शूट पे भी आता है, आप स्पेशली मंगवा भी सकते हैं, और कोई कढ़ाई नहीं है, पाई नहीं है, कोरमा नहीं है, कीमा नहीं है, लेकिन है ये मीट का, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है कि क्या हो सकता है? अच्छा, ये ड्राई सालन है या मतलब ग्रेवी वाला होता है? दोनों दोनों बन सकते, दोनों बन सकते हैं इसके। मेरे ध्यान में कुन्ना आ रहा था, बट क्या आ रहा था? कुन्ना ड्राई, कुन्ना, बट कुन्ना ड्राई नहीं होता। क्या ये कुन्ना है? कोई मुन नहीं कह सकते था कुन्ना है, लेकिन अभी जो ये कुन्ना नहीं है। अच्छा यार, कुछ वो आ रहे दिमाग में? सही खाना चुनना है, ये कुन्ना नहीं है। अच्छा, रोटी और चावल दोनों से खा सकते हैं? हाँ, खा सकता है। ग्रेवी हो सकती है उसमें। ये चपली कबाब तो नहीं है? चपली कबाब का सराय की खानों से क्या ताल्लुक? अच्छा, हाँ, सराय की खाना है, गूगल खोल के बैठ जाओ तुम, तब भी नहीं बता सके। ये बेचारा जो बहुत परेशान है, यूज किया जाता है सर नॉर्मली, गूगल में लिस्ट खोलो सारे सिराई की खानों की और एक एक करके बताओ। वो भी तो होते हैं जो वो तो नहीं, जो न्यास में यूज किया जाता है, उनसे पूछें। न्यास में यूज किया जाता है? न्यास में नॉर्मली, मैं बड़ा न्यासमंद हूँ इस बात पर आपका, लेकिन देखिए न्यास में अगर आप चाहे तो यूज कर लेते, आप पर डिपेंड करते हैं आप न्यास किस चीज के दिला रहे हैं। साथ मेरा नाक नहीं कट पाओ तुम, जरा गूगल पे सर्च करो जल्दी से। एक दफा कॉल कर सकती थी मैं, मैंने तो पे कर दिया। कौन है तुम्हारा गूगल साथ साथ? मैं देखता हूँ। करो, ठंडा तो मुझे थोड़ा मजा आ रहा है भाई, फंस गए भाई। मैं तो बहुत बुरा फंस, मुझे तो लगा था खाना बहुत अलग है, इतना सामने की डिश है रखी हुई है। अच्छा, सामने रखी हुई है चा, नहीं
नहीं चाय नहीं, वो सामने रखी, तू समझ ले आपके सामने, मेरे सामने कपड़े, लैपटॉप, पानी, चाय, बस सामने से बुला देखिए, बिल्कुल सामने की डिश है, यानी अगर आप सोचे तो बिल्कुल सामने नजर आ जाए आप। यार मीट है ना उसके अंदर तो मीट डाल सकते हैं, डाल सकते जिस किस्म का भी चाय, यानी चिकन, मटन, बीफ, चाय आप डाल सकते हैं, बस सामने की डिश है। शोरबा नहीं, शोरबा के करीब आप हो शायद। हलीम, हलीम अगर शोरबा होता है तो मेरे लिए बड़ी नई बात। नहीं मैंने कहा मतलब ग्रेवी होती है ना थोड़ी। हलीम तो खैर सराय की बेल्ट की कोई खास रिवायती डिश नहीं। गूगल क्या क्या किया है, चीटिंग में क्या क्या किया है बताओ, आप भी पीआईए के पायलट हो बताओ। साथ क्या गूगल किया बताओ। अच्छा यहाँ पे तो बहुत अजीब अजीब मतलब बहुत नॉर्मल खाने आ रहे हैं, चरगा सब्जी और ये धागा कबाब इस तरह की चीजें आ रही हैं। कौन से कबाब? धागा कबाब, आधा कबाब, धागा कबाब, धागा कबाब। अच्छा धागा कबाब, धागा कबाब नहीं है और क्या है साहब? कुछ कुछ उसका ग्रेवी वाला बताओ ना। सल्लन तो नहीं है, पूछे क्या नहीं है? क्या नहीं है? मुर्ग मसल्लन, मुर्ग मसल्लन, आए मेरे मसल्लन, क्या मसल्लन बात की, मसल्लन मसल्लन मसल्लन, मुर्ग मसल्लन मसल्लन, जिस तरह बोला है वो मैं समझ रहा हूँ, मुर्ग मसल्लन। ओके साथ बाय बाय, साथ अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ये साथ से तो नहीं हो पाया। देखिए शोरबे के करीब आप पहुंची हैं, शोरबा आ गया है, शोरबा आ गया, हो सकता है मुझे नाम ना बताओ ना मैंने खाया। बिल्कुल आपने खाया होगा और नाम भी पता होगा, मुश्किल नाम तो नहीं है। देखिए आप मुश्किल नाम नहीं है, लेकिन अब मैं आपको उसकी तरकीब बता देता हूँ ताकि आपकी शायद समझ में आए। फिर भी नहीं आया तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी तो। ये समझ लें कि आप एक मुल्तानी मिर्च होती है मशहूर, ठीक है, सुने आपने उसके बारे में? मैंने मुल्तानी मिट्टी के बारे में। अच्छा मुल्तानी मिट्टी नहीं, मुल्तानी मिट्टी तो खैर है ही मशहूर, लेकिन मुल्तानी मिट्टी से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं और खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन एक मुल्तानी मिर्च होती है, ठीक है, आप वो मुल्तानी मिर्च उसमें डलती है, एक तो एक उसकी एक एक खास चीज उसकी है, ठीक है, उसके बाद उसमें एक और चीज डलती है, फिलफिल दराज, फिलफिल दराज होती है लॉन्ग पेपर, ठीक है, लॉन्ग पेपर मिलती ही इन्हीं इलाकों में, बड़ी वाली काली मिर्चें होती है, इतनी बड़ी काली मिर्च होती है वो इसमें डलती है, और इसके अंदर जायफिल जावित्री बहुत ज्यादा डलती है, हालांकि जावित्री जो है जायफिल जो है उसको कम डालना चाहिए, कड़वी हो जाता है खाना, लेकिन इसमें डलता है क्योंकि इसमें चीनी भी थोड़ी सी डाली जाती है शोरबा बनाने के लिए, चीनी भी डाली, चीनी भी डाली जाती है, और चीनी के साथ साथ दार चीनी भी डलती है, और दार चीनी लौंगे इसके साथ एक खास, मुझे लगता है मैंने इतनी सारी चीजें कभी खाई नहीं, नहीं शोरबा बनता है, पहले शोरबा बनता है, ये शोरबा बनने के बाद इसमें आप कुछ भी चीज डाल दें, कुछ चिकन मटन बीफ जो भी है वो सब बन जाए, फिर इसके बाद इसमें टमाटर और दही डालकर इसको जोश दिया जाता है, और जोश जब दिया जाता है तो फिर ये जोश से पहले एक लफ्ज आता है, ये वो हो जाता है। आपने खाना बता दिया नहीं, जोश से राइम करता है ये जोश, हाँ क्योंकि ये जो सारे मसाले इसको जोश दे रहे हैं, ये जोश है, लेकिन इससे पहले मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, इससे पहले जो है वो लॉन्ग लॉटरी लॉन्ग लाची आप अदाकारी करती है, आपने रोने धोने वाली एक्टिंग की है, तो रो ले लें उसमें से, रो 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 निकाल लू, नहीं रो रखे, रो ठीक है, रो रे और वाओ है, रोश नहीं, जोश हो चुका, जोश है उसमें, अब रो है, अच्छा रो। अब उसमें दो लफ्ज और आने, दो लफ्ज और आने, कसम से मुझे ऐसा मैंने कभी भी खाना नहीं खाया, रो के साथ वो दो लफ्ज है। अच्छा कभी गन चलाइए, गन अच्छा है, अब उसको रो के साथ मिलाए ना,
रोगोश नहीं, गन को रो के साथ मिला दें क्योंकि आप रोगनी गोश रोगनी गोश रोगने जोश कहलाता है ये। मैंने नहीं खाया ये रोगने जोश। अरे आपने बहुत खाया होगा लेकिन मुझे रोगने जोश होता है इसके इसके रोगन को जोश दिया जाता है। रोगन कहते हैं शोरबे को और उसको जोश देकर बनाया जाता है जिसमें सारी जोशी इसको खाने के बाद ऐसा जोश पैदा हो जाता है। गुड वन। अब आपको याद रहेगा रोगन। अब मुझे याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है चलो भाई रोगने जोश के साथ ही जोश के साथ एक ब्रेक ले। जीवे पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक मतलब फिर आपको खुश आमदेद और खुश आमदेद के साथ साथ खूबसूरत और खुश आमद जिनको कहें वो हैं हमारी यशमा गिल साहिबा। मैं एक बात में आप मजीद गेम्स की तरफ बढ़ने से पहले एक फिल इन द ब्लैंक्स हमारा बड़ा प्यारा गेम भी आएगा कुछ बातें आपको बड़े मज़े की बताना चाहता हूँ और वैसे बताना चाहता हूँ कि देखने और सोचने का जाविया बदल जाता है इंसान का जब इंसान मोहब्बतों से आशना होता है। ये मैंने यशमा की कहानी से सीखा कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। इंसान बदल भी सकता है और इंसान को बदलने के लिए या उसको बदलवाने के लिए जबर की ज़रूरत नहीं पड़ती सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत होती है और उस मोहब्बत के एहसास की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे और मुझे इस बात की यशमा की ये बात ने मुझे कैसे मुतासर की। वो ये कि आप बुनियादी बात है कि मैंने बताया कि वालिद पाक भैरिया में थे और उसके बाद जब ये मलीर कैंट में शिफ्ट हो गए तो फिर डिफेंस आ गए DHA स्कूल में इनको दाखला मिला ये वहाँ पर गए। भाई को खुली छूट मिली। अभी कहानी सुनिएगा बड़ी मज़ेदार कहानी लेकिन इसमें मोहब्बत कैसे नजर आएगी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। मोहब्बत मोहब्बत जिंदगी है। ज़िंदगी मुश्किल से मिलती है तो इसको झूठ की बुनियाद पर कायम नहीं करना कि जड़ है बुराई की बुराई जड़ है नफरत की। तुम्हें तालीम दी इस्लाम ने खुल्क व मोहब्बत की। तो मोहब्बत क्या होती है वो ये कि खुली छूट मिल गई उसके बाद इन पर पाबंदियाँ ज़्यादा लगीं। अब इन्हें भाई से जो है ना वो चिढ़ोने लगी ये क्या चक्कर है ये तो कोई चक्कर सही नहीं चल रहा और फिर ये मुकाबले पर उतर आई। अब मुकाबला ये था कि जो वो खेल खेलता ये वो खेल खेलती मतलब वो कंप्यूटर छुपा देता कि कहीं यशमा इस्तेमाल ना करें तो इंटरनेट या सोशल वेबसाइट या सोशल मीडिया की साइट है उस पर रब्ता ना करें। वो सख्तियाँ करता था यशमा को जज्बात का इजहार करना नहीं आता था। ये लड़कों की तरह टॉम बॉय की ज़िंदगी गुजारने लगी तुम्हारी ऐसी तैसी और फिर उसके बाद साइकिल चलाती थी फैमिली को समझने की शायद दुश्मन है प्यार की कमी दोस्तों में पूरी करने लगी और घर वालों की नज़र में ये बिगड़ी हुई बच्ची बन गई और उन्होंने उनके हाल में छोड़ दिया। अब यहाँ से कहानी में एक ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट इस तरह आता है कि घर से घर वालों ने एजुकेशन ख़त्म करते हुए सेंट जोसेफ गर्ल्स स्कूल में दाखिल। सेंट जोसेफ से मेरी बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं वो ये कि मैंने सेंट जोसेफ कॉलेज से बड़े कॉम्पिटिशन जीते हैं इसमें ताले बजा रहा उर्दू डिबेट होती थी और उर्दू डिबेट हमेशा मैं जीतता था सेंट जोसेफ कॉलेज में तो उसमें उन्हें गर्ल्स कॉलेज में दाखिला दिलवाया तो वहाँ असल में गर्ल्स कॉलेज में जाके जरा आदमी और मजीद टैलेंटेड हो जाता है तो उसके बाद जो है वो ये आई समझा देर में समझा देर में तो जाहिर कि जब उनको दाखिला दिलवाया तो गर्ल्स स्कूल में तो उस पर ये इम्तियाजी सलूक इन्होंने करार दिया और उस पर बगावत पर उतर आई। बगावत पर उतर आई तो एक रोज़ अपनी सहेली के साथ ड्राइविंग कर रही थी तो शदीद डिप्रेशन की वजह से तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाया गया तो होश में आया तो पता चला कि सहेली रफू चक्कर हो गई है। ये मेरी सहेली ने तो नहीं पता सहेली रफू चक्कर हो गई है और वालिद साहब सराहाने मौजूद हैं और जब वहां पर वालिद की मोहब्बत देखी इन्होंने कि सहेली तो भाग गई वालिद साहब सराहाने मौजूद हैं तो इन्हें यकीन आ गया कि मेरा बाप उसे कितनी मोहब्बत करता है। ये 10 से 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गए थे इनके वालिद और इस 10 से 15 मिनट ने वो पूरे 10 से 15 साल बदल कर रख दिए और वहाँ पर नींद से उठे थे। मैंने उनको कॉल की थी और वो दूसरे घर में थे मतलब मेरी दूसरी मामा के पास थे और वो गुलशन में घर था और मैं डिफेंस में हॉस्पिटल में थी और वो 10 मिनट के अंदर अंदर आई कुड हियर माय डैड स्क्रीमिंग इन द हॉस्पिटल। दोस्त छोड़ गया
बाप मिल गया, तो जिसका बाप हमेशा उसके साथ होता है वो कभी गरीब नहीं होता, और जिसकी माँ उसके साथ होती है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि माँ बाप जिंदगी का बड़ा सरमाया। मैं यही करना चाहूंगी, वो पहले भी क्योंकि बात हुई थी मैं बता नहीं सकी थी, जब आप कह रहे थे कि एक दिन उधर रहते थे एक दिन इधर, तो कैसा महसूस होता था बचपन में? तो ऑब्वियसली आपको सेंस नहीं होता तो आपको लगता है बुरा, लेकिन नाउ दैट आई एम ग्रोन अप एंड आई सी हिम एंड आई सी अदर चिल्ड्रन एज वेल एंड आई सी वेयर वी स्टैंड एंड दे स्टैंड, तो मैं नोट करती हूँ कि किसी भी ना छोटी से छोटी चीज में भी पापा ने कभी ऊंच नीच नहीं की हम दोनों फैमिलीज के बीच में। जो चीज वहां वही चीज यहाँ, जितना प्यार वहां जितनी तवज्जो वहां वही चीज यहाँ, कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ या उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि इधर ज्यादा उनकी, मुझे तो लगता है ही इज लॉस्ट हिमसेल्फ इन दिस। मैं बताऊं, आपने अपने आप को डिस्कवर किया है। बहुत से लोग, बहुत कम लोग हैं, मैं बड़े दिल से आपसे बात कर रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा, इसलिए मैं आपकी आंखों में आके डाल कर बात कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को डिस्कवर किया जाता है, बट यू आर द वन जिसने अपने आप को खुद डिस्कवर किया है। फिल्म द ब्लैंक की तरफ बढ़ते हैं, और फिल्म द ब्लैंक में हमारे हुक्मरान तबके में बास के ख्याल में अवाम ना अहल और ना समझ है, और डैश तो बस उन्हीं की मिरास है, सियासत या रियासत। मिरास क्या होता है? अच्छा आप भी बताता हूँ, मिरास ये होता है कि इट्स माई प्रॉपर्टी, ये मेरी है, ये मेरी मतलब कि खानदानी, जिसको कहते हैं ना कि आप खानदान दर खानदानी की चीज़ से आ रही है, वो मेरी है, मेरे भाई की थी, मेरे बाप की थी, मेरे बाप की थी, मेरे बाप की थी। तो वो ये समझते हैं हुक्मरान तबका कि अवाम नाहिल हैं और ना समझ हैं, और सियासत जो है ना वो उनकी विरासत है। अब सियासत या रियासत, ये आपने बताना क्योंकि मुझे जाहिर है आपको ये पूछने के लिए तर्जुमा भी साथ साथ करना पड़ेगा। जी हाँ, आप कौन से ड्रामे करती हूँ, उर्दू या अंग्रेजी की? उर्दू ही करती हूँ, लेकिन अल्लाह इतनी माशाल्लाह उर्दू जो है ना, मैं इसमें गेस करूंगी इसको, बिल्कुल ठीक है। जाओ रियासत, यही रियासत मुझे लग रहा है, रियासत नहीं सियासत है, सियासत है। तुमने मुझे क्यों यूं यूं किया? सियासत है, हमारे हुक्मरान तबके में बास के ख्याल में अवाम ना एल और ना समझ है, लेकिन यशमा कहती है सियासत सही लफ्ज है, सियासत इज द राइट आंसर। ये सीख लिया कि अब मुझे इधर उधर नहीं देखना, मुझे ना खुद आपसे मेरी तरफ देखें, अगर आप जिंदगी में से मेरी तरफ देखेंगी तो कामयाब रहेंगी, उधर उधर देखेंगी तो नाकाम हो जाएंगी। आप सीधी सीधी चले, दाएं और बाएं का इंडिकेटर दे ही मत, जब आप चली हाईवे पर रही हैं तो इधर उधर जाने की जरूरत क्या है, सीधा हाईवे है, एग्जिट पे मुड़ने की जरूरत क्या है, कोई यू टर्न तो लेना नहीं है आपको, मैं तो वैसे भी यू टर्न के खिलाफ हूँ, तो यू टर्न नहीं लेना। तो आपने डैश अगर अपने आप को अच्छा साबित करे और दुनिया दिखावे की नियत से हो तो उसका कोई अजर सवाब नहीं, इबादत या सखावत। अच्छा इबादत कहते हैं यानी प्रे, सखावत कहते हैं मतलब ये कि काइंड हार्टेड, अच्छा इखलाक और अच्छा इखलाक और ये चीज़। एक खास लफ्ज होता है सखावत का यार, सखी को क्या कहेंगे? हाँ जेनरस, जेनरोसिटी। या तो फोन पे ये जवाब दे, सखावत इज लाइक जेनरोसिटी, या जेनरोसिटी। ये तो दोनों ही जवाब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप दुनिया में सिर्फ दिखावे के लिए इबादत कर रहे हो और अल्लाह ताला को राजी करने के लिए नहीं कर रहे तो उस वो भी एक मतलब उसका भी क्या आपको मिलेगा? देखिए ये दोनों ही हो सकते हैं, जब भी तो इनमें से कोई एक होगा। और सखावत, अब मिसाल के तौर पर आपके पास रिश्ते आए हुए दोनों ही अच्छे हैं, मगर किसी को एक से ही करना होगा ना। ये तो बिल्कुल ही वाला जवाब हो गया। अच्छा अगर आप बस हाईवे पे चले, आप हाईवे डायरेक्ट इधर उधर मत देखिए, हाईवे। अगर अगर आपने डैश अगर अपने आप को अच्छा साबित करने और दुनिया अच्छा साबित करने के लिए तो लोगों के सामने आप जेनरस बनते हो। बिल्कुल यस यस, जेनरस। देखिए अब आया ना आपको समझ। देखिए आप जब सोचोगी और सामने देखोगी तो जवाब आएगा, तो वो सखावत होगा। सखावत अगर अपने आप को अच्छा साबित करने और दुनिया दिखावे की नियत से हो तो उसका कोई अजर सवाब नहीं, यशमा कहती है सखावत है। यशमा ठीक कहती है, सखावत है। तुम ये काम कर रहे हो, तुम हमारे गेम को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं
अगर हम अपनी पर उतराए तो फिर हम बता सकते हैं तुम्हें, तुम्हारा गेम भी बर्बाद कर देंगे हम। इबादत हो सकता है कि हाँ इबादत ही होगा मेरे घर। ये जी जब तो बता के थोड़ी क्या है, वो तो आपको कंफ्यूज करके क्या है। अच्छा चले भी, अमूमन खवातीन तेज से बचने की हर मुमकिन कोशिश करती हैं ताकि उनकी जिल्द और रंगत खराब ना हो। जिल्द तो पता होगा आपको, स्किन को कहते हैं। आप धूप या धूल? आई थिंक धूप, क्योंकि धूल से तो सिर्फ जिल्द खराब होगी। आई थिंक यू आर राइट, धूप। या धूप चलाई जाती बाग उजड़ने का दुख तो बाग के डैश से पूछिए, बाग के माली से या बाग के मालिक से। अच्छा, माली तो दूसरी जगह जाके भी काम कर लेगा। हाय 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 हाय। थॉट प्रोसेस चेंज कर रही थी आपके साथ, ये खड़ा होने में बड़ा मुश्किल काम है। मालिक को तो कहीं और जॉब मिल जाएगी, मालिक बेचारा बोलेगा इतना नुकसान हो गया, लेकिन बच्चे होते हैं बिल्कुल मालिक के जो बाग के फूल पौधे फल, तो बेचारे मालिक को भी बहुत दुख होगा। तो मालिक और माली, मालिक और माली नाम रख देते हैं इसका। जड़ने का दुख तो बाग उजड़ने का दुख तो कोई बाग के मालिक से पूछे या माली से पूछे। मेरे ख्याल से माली बेचारा, उसके बच्चे होंगे ना। हाय 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 हाय। और अगर एक फूल और दो माली हो, एक फूल और दो माली हो तो फिर क्या होगा? इतने प्यार से उसने, मतलब होता है कभी कभी एक फूल दो माली। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं किसी बाग की मालिक हूँ और अगर मैं किसी बाग की माली हूँ तो मुझे मालियों के ज्यादा अफसोस होगा। माली इज द राइट आंसर। अच्छा जी, आज तुम लोग बड़े सही चल रहे हो भाई। इंसान के डैश का पता उसके तर्ज गुफ्तगू से भी लगाया जा सकता है, इंसान के किरदार का या उसके अखलाक। इखलाक? इखलाक मतलब हमारा दोस्त नहीं, नहीं मुझे पता है इखलाक का मतलब क्या। मैं ये कह रही हूँ कि इखलाक से शायद, क्योंकि किरदार तो मेरे ख्याल से काफी प्राइवेट चीज होती है, उसके लिए आपको काफी डिग इन करना पड़ता है। आजकल प्राइवेट चीज होती है, सबको नजर आता है किरदार। लेकिन मेरे ख्याल से बात करने के तरीके से पता चल जाता है ना कौन हम्बल है, कौन स्वीट है, कौन डाउन टू अर्थ है। तो इखलाक मेरे ख्याल से, इखलाक इंसान के अखलाक का पता। अच्छा किरदार का पता तर्ज गुफ्तगू से नहीं लगता। तर्ज गुफ्तगू कहते हैं बात करने के अंदाज को, इसमें लिखा है तर्ज गुफ्तगू। हाँ लेकिन एक मिनट, किरदार अगर कोई लाइन मार रहा हो, तर्ज गुफ्तगू सुनने अभी आप दे देना, सुने तर्ज गुफ्तगू। तर्ज गुफ्तगू कैसी होगी उसका किरदार से कोई ताल्लुक नहीं, तर्ज गुफ्तगू आपके अखलाक से ताल्लुक है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किस तरह से, आप ये कह रहे हैं तशरीफ रखिए चल बैठ यहाँ पर, इन दोनों चीज़ों से आपके किरदार का और आपकी शख्सियत का पता चल जाता है। तो इन्होंने कहा अखलाक, मैं इनके साथ जाना तो नहीं चाहता लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ जाऊं। अच्छा, जिस हाईवे पर हम दोनों जा रहे हैं उस पर हम इसी तरह सफर करते रहे और इसी तरह से हाईवे पर ऐसे खड्डे फिरिंदे ब्लैंक से आते रहे और हम उन्हें अपनी गुफ्तगू से भरते रहे। तो इस हाईवे पर आपका जवाब अखलाक बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि देखिए आप जब आप बात करते हैं ना तो पता चलता है आप कौन है। बात करने का मतलब है दुकान खोलना। दुकान खुलती है पता चलता है कि दुकान अच्छी चीजों की या बुरी चीजों की, जब आप जबान से गुफ्तगू करते हैं। जबान ही तो असल चीज है। चलिए अब आ जाते हैं उर्दू नामे की तरफ, यानी हम आपको इंग्लिश में, बल्कि नहीं हम आपसे, हाँ इंग्लिश इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश में आपसे हम बात करेंगे, बात ही करेंगे बल्कि सवाल का एक जवाब, एक वर्ड आपके सामने रखेंगे, उसका आपने उर्दू में बताना है क्या कहेंगे, ठीक है ना? कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं? अब माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, उन आंखों के साथ पलकें हैं वो भी बहुत खूबसूरत है, भवे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है आपकी। इसका मतलब नहीं कि मैंने आपको बहुत तवज्जो से देखा है, इसका मतलब मैंने आपको बहुत गौर से देखा है। अब आप ये बताना है कि आईलैशेस, आईलैशेस उसको उर्दू में क्या कहते हैं? पलकें। ओ
था। नहीं कहते क्या? कुछ और कहते हैं? आईलैशेस को पलके कहते हैं। कैलेंडर। वाह अच्छा है। तारीख नामा। हाय हाय हाय। मैं तेरी उर्दू की कुर्बान जाऊं। तारीख नामा। वाह। कागजी तारीख। अच्छा एक आपको बच्चा एक होती है ये बड़ी प्यारी बात की है ना एक होती है डेट डेट और एक होती है तारीख तारीख किसी ने पूछा डेट और तारीख में क्या फर्क है तो जवाब दिया डेट पर खातून के साथ जाते हैं तारीख पर वकील के साथ जाते हिंदी में वजीर को कहते हैं मंत्री क्या कहते हैं मंत्री 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 वजीर होता हाँ, ठीक है ये मंत्री से ही मिलता हुआ लफ्ज है मंत्री अच्छा अंतरी हाँ लगाती रहो कुछ ना कुछ इधर देखा आप इधर हाईवे पे देखो हाईवे पे जंत्री जंत्री जवाब दो ना ना वेरी गुड मगर ये चीटिंग नहीं होती इसे कि इतनी जल्दी से पिक करना इट्स नॉट चीटिंग थैंक यू फॉर मेकिंग मी आ जाइए जी ड्राइंग रूम ड्राइंग रूम को कहते हैं ओ जाना ना इनको ड्राइंग रूम की शेयर करा के लाना ना याद है अंधेरा हो जाना एक मिनट हाँ जी मेहमान आराम पे नहीं जाना अभी सब यही रहना आराम पर हमें नहीं जाना हमें सिर्फ ड्राइंग रूम पे रहना टर्किश ड्रामे देखती रहती ना आराम का अच्छा मेहमान मेहमान पुश्त नहीं ड्रॉइंग रूम ड्रॉइंग रूम कहते हैं ड्रॉइंग रूम को क्या कहते हैं ड्रॉइंग रूम तो नहीं कहते नहीं उसको उर्दू में कुछ कहते हैं मैं देख रही हूँ हाँ देखिए बैठक 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 इसको दीवान बैठक मुझे लगता था खुले आसमान के नीचे होती है बैठक लेकिन अब तो अल्लाह माफ करे तो अगर आप ये समझती थी खुले आसमान तले जो है बैठक होती ना खुले आसमान तले कचहरी होती है कचहरी होती है कचहरी होती है कचहरी बैठक में खुला आसमान नहीं होता दीवान खाना या बैठक में चले अब आ जाते हैं जो आप करती हैं सीरीज सीरीज को क्या बोलते हैं बस एक हिंट आपको देता हूं कि हालांकि हिंट बाहर की है लेकिन मैं आपको दे सकता हूँ कि मैं पूरी बाहर की जो बात कर रहा हूँ पड़ोस की बात कर रहा हूँ मैं लेकिन मैं कोई खुल के बात नहीं कर रहा तो मुझ पर कोई कुछ कर नहीं सकता तो मैं हिंट ये है कि देखा एक ख्वाब तो सिलसिले देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए सिलसिलावार सीरीज इन सिलसिलों का कोई सिला मिलेगा मुझको दुआएं बहुत सारी बहुत सारी मास्टर मास्टर को बोलेंगे आम 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 मास्टर साहब को मास्टर साहब आ गए भाई एक मिनट मेरे टीचर मास्टर मास्टर एक मिनट हमारी जो ये आ रहा है लेकिन याद नहीं हमारी लव्स मास्टर जो उस्ताद के इस्तेमाल होता है वो गलत होता है वो गलत होता है उस्ताद हां उस्ताद के उस्ताद को टीचर कहना चाहिए मास्टर नहीं कहना चाहिए मैं तो उस्ताद पे मास्टर एक बड़ी ही इज माय मास्टर Yes. He is my master. Malik. Ustad नहीं हो सकता, master teacher नहीं हो सकता. देखिए इसके दो माने होते हैं. अब मैं आपसे जो माना पूछना चाह रहा हूँ, आपसे मैं माना अमूमी, यानी अमूमी ये कि जो आम माना होता है. मुझे वो बताइएगा एक इसके खास माना होते जो लिखा हुआ है वो खास माना वो दुरुस्त है लेकिन मैं आपसे वो नहीं उसका जवाब चाहता मैं चाहता हूँ कि जो आम सी बात है
क्योंकि फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने यहाँ हाँ गुरु हाँ मैं कह सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा इसको और आप आम अंदाज में लिखे हैं। आप मास्टर ऑफ आर्ट्स क्या हुआ मतलब? इसको इस तरह मास्टर मिला है। एक मास्टर होता है जो सिर्फ मास्टर है, एक होते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स। तजुर्बा बहुत है। ओके ठीक है, वेट, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जो होता है बेसिकली। एग्जैक्टली, अब एक्सपर्ट पर आ गई ना, अब ये दुरुस्त है। क्योंकि मास्टर का लफ्ज एक्चुअली जो लिखा है इसका जवाब वो दुरुस्त है, लेकिन वो मैं नहीं चाहता वो जवाब यहाँ पर उसको अंदाज में डाल दिया जी। माहिर, माहिर कितनी जोर से आवाज आई है भाई, हैं माहिर इज द राइट आंसर। देखिए मास्टर एक्चुअली राजीना आपको बताना चाहता हूँ, मास्टर एक बहुत बड़ा वर्ड है और मास्टर कहते हैं आका को, ही इज माय मास्टर। तो आवर मास्टर इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका, तो हम उनको कहेंगे मास्टर, वो हमारे मास्टर। लेकिन वो हर आदमी नहीं है, हम और किसी को मास्टर ना मानते हैं ना मास्टर कह सकते हैं, लिहाजा बाकी हमारे लिए जितने भी मास्टर हैं वो माहिर हैं, लेकिन एक आका ही हमारा है जिनके नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने ये बताया कि मास्टर के दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं। बट एनीवेज आपने बड़ा ज़बरदस्त उर्दू नामा किया है। हाँ जी, अब आ जाते हैं ज़रा मुहावरों की तरफ, लेकिन तैयार रहे उसके लिए, मुहावरे आएंगे स्क्रीन पर, दिखाइए ज़रा पहला मुहावरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मेरा तो गूड़ भी मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी तो हमारे हाथों की मेहंदी भी नहीं खत्म हुई थी, अभी तो हमारा गूड़ भी मुकम्मल नहीं हुआ था, अभी तो हमने गूड़ लिया था, अभी तो हलक से निकला भी नहीं था, मतलब उतरा भी नहीं था, और आपने फौरन जवाब दे दिया चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका तिनका तिनका, वाह 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 वाह। जवाब चोर की दारी में तिंका, डिंका डिंका डिंका, वाह वाह वाह, गुड गुड गुड। आइए जी अगले 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 मुहावरे की तरफ। ओह क्या है ये, देखिए आप हर जगह तेल का मसला चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दूलिंग, ये तेल है, तेल पता नहीं क्यों हर जगह तेल आ रहा है आजकल, मुझे दूरबीन से तो दूर के ढोल सुहाने याद आ रहे हैं, लेकिन ढोल तो है ना, नहीं हां तेल। देखिए आप नीचे शुरू हो, पहले तेल की, तेल पहले तेल की धार देख के, तेल की धार देख के, तेल एक मुझे खड़ा होना पड़ेगा, तेल देख के ना ना ना, बेचार देखो मुझे हाईवे पे चल रहे हैं हम, ये नहीं भूलना है, तेल देखो, तेल देखो धार मालूम करो, नहीं मालूम नहीं करो, तेल देखो धार, धार देखो तेल, तेल देखो, देखो तेल की धार देखो। अगला मामला बताइए जी। उफो, लातों के भूत बातों से, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वाह 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 जी, अगले मामले। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना वाला जो है, अब अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली, समथिंग लाइक दैट, मतलब नहा के निकले हुए ये पैर है, इस पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा, कुछ ऐसे ही है ना मुहावरा, कोई तो पैर तो दूसरे ले आते तुम, ये तो टब से निकले हुए पैर है, तौलिए पे रखे हुए हैं। हाँ जी आपने कहा है अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारना जवाब दुरुस्त है। यही पर लेते हम एक वक्फा, क्योंकि जबरदस्त इस वक्त अब जीवे पाकिस्तान जा रहा है, यशपा ने तो तबाही मचा दी है, यानी आपने उर्दू मुहावरों से लेकर और उर्दू नामे तक तबाही तबाही मचा दी है, परेशान कर दिया है, हमारे घूंट खत्म हो गए, लेकिन ये क्या हो रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा। वक्फे के बाद आते जीवे पाकिस्तान।
पाकिस्तान में एक मतलब फिर खुश आमदेद। और अब यशमा की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक ऐसी बात यशमा की आपको बताना चाहूँगा कि जिसकी वजह से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। मतलब मोहब्बत की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, हर मोहब्बत को वो मोहब्बत नहीं कहा जाता। मोहब्बत कभी कभी इंसान की अदाओं से हो जाती है, उसकी बातों से हो जाती है, उसके कुछ ऐसे कामों से हो जाती है कि जो पजीराई के काबिल होते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, लड़कियाँ भी मोहब्बत करती होंगी, हर लड़की की मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं होती। बहुत सारी मोहब्बतों में किसी को अपनापन नज़र आता होगा, किसी को अपना भाई नज़र आता होगा, किसी को कुछ और नज़र आता होगा। मोहब्बत की बड़ी किस्में हैं, हर मोहब्बत को एक ही नज़र से नहीं देखा जाता। तो मुझे इनसे मोहब्बत इस बात से हो गई कि ऑस्ट्रेलिया में थी, और यशमा के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते, तो मैं आज ये बात बताना चाहता हूँ। और वही कि एक ईमान अफरोज़ दास्तान है इनके साथ। वो दास्तान इस तरह है कि वो पहले क्या थी मुझे से कोई गर्ज नहीं है, अब ना मैं ये गर्ज रखता हूँ। और जो वो पहले थी मैं समझता हूँ वो भी सही थी, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि वो सही थी, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अल्लाह ताला के बनाए हुए सब लोग हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है, चाहे अल्लाह को माने ना माने तब भी अल्लाह को मानना तो पड़ता है, और वो अल्लाह ने बनाया है सबको। आप अल्लाह ताला की करीमी और रहीमी को कभी भी तोल नहीं सकते हैं। इतना करीम इतना रहीम है कि जो उसको नहीं मानता वो उसको भी देता है, वो उसको भी खिलाता है, वो उसको भी जलाता है, और जो उसको मानता है वो उससे भी मोहब्बत करता है, क्योंकि वो बेनियाज है। उसकी बेनियाजी उसकी इतनी खूबसूरत सिफत है कि अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने को जी चाहता है। तो अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात ये थी कि उन्हें यकीन नहीं था कुछ बातों पर, फिर एक दोस्त की मदद से इनका ईमान मजबूत हुआ और ये मुसलमान बन गए। अब ये उन दिनों की बात है जब ये जॉब और तालीम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थी, पढ़ भी रही थी और जॉब भी कर रही थी। तो वहाँ इनकी मुलाकात एक मुसलमान लड़की वर्दा से हुई। वर्दा एक लड़की थी और वो वहीं की रहायशी थी। यशमा ने उस लड़की को देखा तो उसने हिजाब कर रखा था, उसने सोचा कि भाई इसने जो हिजाब कर रखा है तो पक्की मुसलमान है और मुझे मुसलमान करने की मुझे कोशिश करेगी। ये सोचकर यशमा उसे नज़रअंदाज करने लगी। यहाँ से मुझे इनसे मोहब्बत हो गई, इस जगह से इस लेवल पर आके मुझे मोहब्बत हुई थी। तो लेकिन वो लड़की इतनी अच्छी थी कि कोई चीज़ इन पर थोपने की उसने कोशिश नहीं की। थोपा जो जाते ना कि नहीं हमारी बात मानो, तो उसने थोपने की कोशिश नहीं की। रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था और जब वर्दा ने उन्हें चैलेंज किया कि बस एक महीने में तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ लो और पूरे रोज़े रखो, फिर देखना तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और यशमा ने ऐसे ही किया। रमज़ान ख़त्म हुआ, रमज़ान ख़त्म होने के बाद यशमा उसके पास गई और कहा मुझे तो कुछ मुख्तलिफ महसूस नहीं हुआ। ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो ये सुनकर वो काफ़ी मायूस हो गई, लेकिन 2 दिन के अंदर यशमा को महसूस होने लगा। कितने दिन के अंदर? 2 दिन के अंदर यशमा को महसूस होने लगा कि जैसे सुकून सा मिल गया। और नमाज के वक्त नमाज अदा नहीं करती थी तो उन्हें खाली खाली सा महसूस होने लगा था। लिहाजा फिर जब ये अल्लाह के करीब हुई तो उनकी मुश्किलात आसान होती गई, इनकी जॉब लग गई, मसाइल चल रहे थे ख़त्म हो गए, सब कुछ हल हो गया, डिप्रेशन ख़त्म हो गया। और हालिया रमज़ान में हमारी यशमा ने एतिकाफ भी किया है। लिहाजा यशमा, फॉर दिस आई लव यू। इसी के एक होता है, मुझे ये लव क्यों कहा मैंने, आई लव यू आपको क्यों कहा मैंने, बहुत किसी कभी कहा था रिस्पेक्ट जब किसी के लिए बहुत होती है तो मगर मैं ये आई लव यू मैंने क्यों कहा आपको, मैं वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये कि आपने ढूंढ कर इस्लाम कबूल किया है, ढूंढा है आपने। You know, there's a saying that never inherit your religion. Exactly. Learn it, because when you learn it, you know it better and you feel it better and you preach it better. आपने तलाश किया खुदा को, हमें तो खुदा मिल गया घर में, मतलब हम तो घरों में पैदा हुए तो मुसलमान पैदा हुए। नहीं, I was also born. मैं उधर ही आ रहा हूँ, लेकिन हम पैदा हुए मुसलमान में, फिर हम इधर उधर नहीं गए। आप अल्लाह ताला को रूठे हुए बंदे बहुत पसंद है, वो उन्हें मनाता है। आप रूठ गई खुदा से और फिर आप रूठ कर दोबारा खुदा के पास वापस आ गई, आप बहुत करीब हो गई खुदा से। उसकी वजह यह कि आपने अपने रब को तलाश किया, पहचाना। यहां तो रब को तलाश करने के बावजूद, पहचानने के बावजूद लोग रब को नहीं पहचान पा रहे। इसी मुझे आपसे इस बात पे प्यार हो गया, और ये प्यार वो है कि जो रिस्पेक्ट और मोहब्बत का एक मजर है। तो आई लव यू अगेन इस बात पर कि बड़ा कमाल काम किया। चलिए
करें तब आपको जरा थोड़ा सा इमोशन से बाहर लेकर आते हैं, क्या इमोशनल हो गई थी? मोटी मोटी आंखों में नहीं, बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू नजर आने लगे थे मुझे, तो इससे मैं आपको वापस ये कहता हूँ, चलिए आपको सेलिब्रिटी गेस्ट कराते हैं। हाँ जी, लाइए आंखें दिखाएं, आंखों से आंखों तक। ओहो, समी खान। समी खान, समी खान तो अपनी आंखों के लिए यार। हाँ, वाह वाह, समी की आंखें। अरे अब आंखें आपकी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आजी जी, अगली सेलिब्रिटी की तरफ। I know her name. Oh my God. Yes. समीना पीरजादा। समीना पीरजादा। बेहतरीन खातून, बेहतरीन खातून, बेहतरीन इंसान। मेरी इनसे एक दफा मुलाकात, दो तीन दफा हुई है मुलाकात, एक दफ़ा किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में हुई थी, लेकिन मैंने इतनी प्यारी खातून आज तक नहीं देखी। बात करने का ऑरा इतना पॉजिटिव है, बात करने का सलीका, गुफ्तगू का अंदाज, और पढ़ी लिखी खातून, और फिर उनके शौहर जनाब उस्मान पीरजादा साहब, पूरी फैमिली माशाल्लाह। समीना, आपा के लिए बहुत सही ताली। जी, फैसल कुरैशी। इस आदमी की वजह से, इस आदमी की वजह से हमें ये करना पड़ा। उफ, 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 उफ। और उसके बाद, हाँ जी, ये तो आप बता देंगे। है इतनी हस्ती में आंखें समझ नहीं आ रही। ये पता है कौन सी आंखें हैं? ये वो आंखें हैं जिन्होंने आंखों के लिए कई गाने गाए। हस्ती भी है ना बहुत, थोड़ी सी आंखें और बड़ी। बस ये समझ ले के जिसने कहा हो तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो वो कौन होगा? देखिए मस्त मस्त दो नैन, हर गाना पता है मुझे, बाकी कुछ नहीं। अरे मस्त मस्त दो नैन, आगे मैं बोल नहीं सकता, क्या करूं? ताकते रहते तुम्हें। रात फतेह अली खान। रात फतेह अली खान। आपने कहा था ना, मुझे लगा एक्टर्स हैं सिर्फ, तो मैं इतने सिंगर्स का सोच ही नहीं पा रही थी। आंखों पर तो बड़े गाने गाए इन्होंने। हाँ हाँ, वो मैं सिंगर थे, मुझे लगा शायद उनकी वीडियो में कोई आए हुए हैं, तो इसलिए। चलिए ट्रुथ एंड लाइक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपने बताना है, सवाल आएंगे स्क्रीन पर आपकी, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। एक एक इसमें से आप जो है वो सही होगा, बाकी दो गलत होगा। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन इस्लामाबाद से ऑन एयर हुआ था? क्या पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन कराची से ऑन एयर हुआ था? क्या पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन लाहौर से ऑन एयर हुआ था? कैपिटल इस्लामाबाद है तो लाहौर, मेरे ख्याल से लाहौर से बड़ी ट्रैवलिंग या कराची। लाहौर इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला, खुश्की का सबसे बड़ा जानवर गेंडा है, खुश्की का सबसे बड़ा जानवर हाथी है, खुश्की का सबसे बड़ा जानवर जर्राफा है, यानी जिराफ जिसे कहते हैं। हाय, खुश्की का सबसे बड़ा जानवर। वैसे आजकल खुश्की का सबसे बड़ा जानवर कोरोना है। सबसे बड़ा जानवर तो जिराफ है। इतना खुश कर देता है वो। जिनको कोरोना हुआ है उन्होंने मुझे बताया कि खुश हो जाते हैं, हर चीज खुश हो जाती है। गेंडा तो नहीं है? गेंडा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा जानवर जिराफ है, तो मैं जिराफ के साथ चले जाती हूँ। खुश्की का सबसे बड़ा जानवर जर्राफा है, यानी जिराफ है जो उसके साथ गई है। अगर ये खुश्की का सबसे लंबा होता तो जिराफ होता, बड़ा नहीं होता, बड़ा सिर्फ हाथी होता है। जान पूछ के एक आंसर गलत कर देती थी कि टीचर को ये ना लगे मैंने चीटिंग की है, इसलिए मैंने यहाँ पे बिना जान पूछ के। अच्छा, ओके, सही सही सही। अच्छा, बादशाही मस्जिद
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तामीर कराई, बादशाही मस्जिद शाहजहां ने तामीर कराई, बादशाही मस्जिद औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाई। एक मिनट गौर कर ले, आराम से जवाब दीजिएगा। हम जरा म्यूजिक पर था, जहां तक मुझे पता है जब मैं गई थी देखने के लिए तो हमारा वो जो टीचर था वो औरंगजेब बता रहा था। मेरी हिस्ट्री बहुत बुरी है लेकिन औरंगजेब 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 मुझे म्यूजिक अच्छा लग रहा है औरंगजेब पे। वाह वाह वाह, आखिरी सवाल आ रहा है। क्वेटा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गर्म शहर है। सिब्बी पाकिस्तान, ये अच्छा, ये सही है, इनका बोलना जरूरी होता है, ये अच्छा भाई, अच्छा बोलेगा वो तो, मतलब ये नहीं है, ये हर एक को बोलेगा, नहीं नहीं ये हर एक को बोलेगा, सिब्बी पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गर्म शहर है। अच्छा अच्छा, सक्कर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गर्म शहर है। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताओ। सक्कर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों सक्कर लग रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट नहीं, शक्कर कभी गई है? मुझे लगे शक्कर के मेरे अभी तक जो आते हैं ना मेरे पास लोग, सबको पता है बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी। कौन से लोग आते हैं आपके पास शक्कर से? मतलब शूट वूट पे मिल जाते हैं। अच्छा शूट वूट शक्कर से मिल जाते हैं तो या आपने अपनी झूठ बोला है? क्वेटा तो नहीं, शक्कर से कोई आपको शूट पे नहीं मिला है या आपने झूठ बोला? शायद भाई शक्कर से नहीं, नहीं नहीं शक्कर वाला अभी तक आपको मिला नहीं है। शक्कर वाला अगर आपको मिला होता तो आपको पता होता शक्कर क्या है। अच्छा शक्कर नहीं, क्वेटा तो गर्म नहीं है यार इतना, मैं तो गर्मियों में भी गई हूँ उतना तो गर्म नहीं होता, तो मैं तुक्का सिपी सिपी थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके कोऑर्डिनेशन है। इसका मतलब ये कि जब जवाब आप समझे सवाल आपने जवाब गलत दिया तो क्या होगा? देखिए जब सबसे गलत दिया जवाब आपने तो क्या होगा? देखिए आप देखिए इधर, देखिए इधर म्यूजिक पर, देखिए इधर म्यूजिक इधर है, और अगर सही होगा तो क्या होगा? तो ये जवाब सही है, सिब्बी। आपको माफ नहीं करती, क्या करते मैंने कहा क्वेटा होते तो मैं आपको माफ नहीं करती। अच्छा जी, सेंसेशन मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, सेंसेशन मोमेंट आपको मेरी तरफ देख के करना हो, तेजी के साथ जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा रैपिड फायर की तरह, ठीक है जी? तो आइए फिर यही आ जाते हैं दोनों आज। तो अब आपके सामने सवाल आज है, क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। चाय या कॉफी? चाय। सिडनी या मेलबर्न? मेलबर्न। स्कूल लाइफ या वर्क लाइफ? School life. Pakistan या Australia? Pakistan. Love marriage या arranged marriage? Love marriage. Imran Khan या Bilawal Bhutto? Imran Khan. Fast food या Chinese? Fast food. Instagram या Snapchat? Instagram. Amir Liaqat या Fahad Mustafa? Amir Liaqat. Okay. Thank you. ये sensation moment के लिए आपके लिए gift है। ये बाहर लोग ले लेते हैं वापस, तो मत ले दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई और क्या कमाल बातें हुई हैं। अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, इसी तरह आप तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। हम आपको आगे जाते हुए हाईवे पर देखते रहें, जिस स्टॉप पर हमें आपको छोड़ दिया था हमने छोड़ दिया, अब सफ़र आपका आगे की तरफ रवा दवा है। ड्राइवर का काम यहीं तक था, आपको आपके स्टॉप पर उतार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया यशमा आपका, और इसके साथ ही आमिर लियाकत हुसैन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नारा लगा दीजिए जोर से, जीवे पाकिस्तान।